Now today we talk about the excretory system of earthworm, excretory system of pheretima posthuma, commonly called earthworm. सबसे पहले ये जानते हैं कि excretory system क्या होता है, ठीक है? Excretory system क्या होता है? Elimination of nitrogenous waste product with some useful product to maintain the balance of our internal body या कोई भी organism का internal body is called excretory system. यानी कि nitrogenous waste product के साथ साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी उसके बॉडी के, यानी जिस ऑर्गेनिज्म का हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म में जो एलिमिनेशन होना यानी कि बाहर आना, तो जो वर्स्ट प्रोडक्ट है उसका बाहर आना और उसके साथ साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट का भी बाहर आना क्यों ज़रूरी है? तो उसके बॉडी के इंटरनल बॉडी के इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है. इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. इसी प्रोसेस को एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं. तो हमें क्या पढ़ना है अभी? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन किस ऑर्गेनिज्म में? फेरिटिमा पोस्थुमा में, यानी अर्थवर्म में पढ़ना है. तो अर्थवर्म में जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो एक्सक्रीशन का मतलब समझ के, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट के साथ कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर आता है. क्यों? तो इस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बैलेंस वे में रखने के लिए. किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं रह सकता है. तो हम लोग पढ़ेंगे अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म में तीन तरह का, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या है. एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या है? नेफ्रिडिया. क्या है? नेफ्रिडिया. जो क्वेश्चन होता है वो या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवर्म, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फेरिटिमा पोस्थुमा, या फिर नेफ्रिडियल सिस्टम इन अर्थवर्म या फेरिटिमा पोस्थुमा करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो नेफ्रिडिया, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है वो नेफ्रिडिया है, इसलिए इस पूरे को नेफ्रिडियल सिस्टम से लेके भी क्वेश्चन आते हैं. तो नेफ्रिडिया इसका जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, नेफ्रिडियल सिस्टम हो गया. तो नेफ्रिडिया, इसमें नेफ्रिडिया के द्वारा जो है वो एक्सक्रीशन होता है. तो जो अर्थवर्म होता है उसमें एक्सक्रीशन जो है वो तीन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है. कौन कौन सा नेफ्रिडिया? तो फेरिंजियल नेफ्रिडिया, फेरिंजियल नेफ्रिडिया. दूसरा होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया. तीसरा होता है सेप्टल नेफ्रिडिया. थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया फ्रॉम विच द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट आउट. कौन करता है? फेरिटिमा, यानी अर्थवर्म जो है इन तीनों नेफ्रिडियल सिस्टम के द्वारा, इन तीनों ऑर्गेन के द्वारा, इन तीनों नेफ्रिडिया के द्वारा, यानी फेरिंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया एंड सेप्टल नेफ्रिडिया के द्वारा अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर निकालता है. तो सबसे पहले हम लोग कौन सा नेफ्रिडिया के बारे में पढ़ेंगे? फेरिंजियल नेफ्रिडिया के बारे में पढ़ेंगे. अर्थवर्म का डायग्राम बनाते हैं. जो फेरिंजियल नेफ्रिडिया है, फेरिंजियल नेफ्रिडिया कहते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रीजन को कहते हैं फेरिंजियल नेफ्रिडिया. और जो ये नेफ्रिडिया होगा, ये कंप्लीट, मतलब फेरिंजियल नेफ्रिडिया नहीं, नेफ्रिडिया जो है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट आउट करने का ऑर्गेन है, वो सिर्फ सके फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट को छोड़ के, यानी पेरिस्टोमियम जिसमें माउथ प्रेजेंट है वो, और उसके बाद वाले सेगमेंट को छोड़ के बाकी सभी सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होता है. एक्सेप्ट फर्स्ट एंड टू, ऑल सेगमेंट्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फेरिंजियल नेफ्रिडिया. तो ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकेंड सेगमेंट हो गया, इन सेगमेंट, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकेंड सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट को छोड़ के जितने भी सेगमेंट्स होंगे उन सभी में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा. तो अभी हम लोग फेरिंजियल नेफ्रिडिया के बारे में पढ़ेंगे. बातचीत नहीं.
तो हमें पढ़ना है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ नेफ्रिडिया, यानी कि फेरेंजियल नेफ्रिडिया। जो फेरिंग्स रीजन में जो नेफ्रिडिया प्रेजेंट हो उसी को क्या कहेंगे? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरिंग्स रीजन में जो नेफ्रिडिया प्रेजेंट हो उसी को क्या कहेंगे? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो ये जो फेरिंग्स रीजन में फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट होता है अर्थवॉर्म का, इसी में ये फेरेंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। इसके बीच में यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा, तो माउथ से फेरिंग्स लगा होगा, फेरिंग्स से इंटेस्टाइन लगा होगा और इंटेस्टाइन से स्टमक लगा होगा, स्टमक से इंटेस्टाइन, मतलब पूरा एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट होगा। तो इसको यहाँ पे एलिमेंट्री केनाल बनाते हैं। ये हो गया एलिमेंट्री केनाल। अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो सेगमेंट है उसमें एक एक बंडल जो है प्रत्येक सेगमेंट में यहाँ पे इस तरीके से ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा, ये इस तरीके से नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा। तो सर नजदीक में बना देते हैं, ये इस तरीके से एक एक बंडल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और ये फोर्थ। तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में देखो एक एक बंडल नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। जो फोर्थ सेगमेंट में फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये जो जो हम ये बना रहे हैं, ये जो तीनों बना है यही है बंडल ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। क्या है? बंडल ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये डक्ट से के हेल्प से ये एलिमेंट्री केनाल से जुड़ा होगा। ये फेरिंग्स रीजन में है, तो फेरिंग्स रीजन में जितने भी एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट है ये उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ये जब तक एलिमेंट्री केनाल में नहीं देगा तो इसका एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट बाहर नहीं होगा। एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट इसका बाहर कैसे होगा? तो इसमें एक डक्ट लगा होगा। तो जो फोर्थ जो डक्ट फोर्थ जो है ये ओपन होगा इसी सेगमेंट में। किस सेगमेंट में? किस सेगमेंट में? फोर्थ ओपन होगा, फोर्थ में। सिंपल है, यहाँ पे एक बता देते हैं, देखो फोर्थ है ना, तो वो फोर्थ में ही ओपन होगा, ठीक है। जो फिफ्थ है वो थर्ड में ओपन होगा, जो सिक्स्थ है वो किस में ओपन होगा? सेकेंड में ओपन होगा, ठीक है। तो फोर्थ देखो, फोर्थ वाले का फोर्थ में ही ओपन हुआ, यानी इसी सेगमेंट के एलिमेंट्री केनाल में। उसके बाद आता है ये फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला किस में होगा ओपन? थर्ड वाले में ओपन होगा। ये यहां से इस तरीके से ये इस तरीके से यहां थर्ड में ओपन हुआ, ये थर्ड एलिमेंट्री केनाल में ओपन हुआ। अब कौन सा बचा? सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला सेकेंड में ओपन होगा। सेकेंड वाले किस में? एलिमेंट्री केनाल में। ये इस तरीके से यहाँ पे ये एलिमेंट्री केनाल में इस तरीके से ये ओपन होगा। ये तो ये सभी जो क्या करेंगे, फेरिंजियल नेफ्रिडिया जितने भी हैं ये बंडल ऑफ नेफ्रिडिया है एंड इट इज प्रेजेंट इन इच सेगमेंट ऑफ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट। जो फेरिंजियल नेफ्रिडिया है वो चौथा पांचवा और छठा सेगमेंट में प्रेजेंट होगा और एक 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 पेयर बंडल होगा दोनों एक सेगमेंट में, दो बंडल प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्री केनाल के दोनों साइड पे। तो ये क्या करेगा कि जितने फेरेंजियल रीजन में जो भी एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जमा करेगा और ये फिर जो ये जो दिख रहा है ये है डक्ट, इसको बोलते हैं फेरेंजियल डक्ट। क्या बोलते हैं? पी लिखते हैं, समझ जाओगे? पी फॉर फेरेंजियल डक्ट, ठीक है। तो ये फेरेंजियल डक्ट है, तो ये क्या करेगा, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ये फेरेंजियल डक्ट में दिया, जो भी तीन फेरेंजियल डक्ट दिख रहा है फेरेंजियल डक्ट में दिया और फेरेंजियल डक्ट किस में ओपन होगा? ये एलिमेंट्री केनाल में ओपन होगा। अब एलिमेंट्री केनाल के द्वारा ये अपना एनएस के द्वारा बाहर हो जाएगा। तो नेफ्रिडिया जो होता है वो दो तरीके का नेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया जो होगा वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, एक होता है एंडोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, ठीक है। तो नेफ्रिडिया दो तरह का हुआ, एक एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, दूसरा एंडोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। तो एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया क्या होगा, मतलब वैसा नेफ्रिडिया, दोज नेफ्रिडिया विच एलिमिनेट आउट द वास्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द स्किन, डायरेक्टली एलिमिनेट आउट, यानी वैसा नेफ्रिडिया जो अपने बॉडी का एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट डायरेक्ट, मतलब किसी डक्ट, बिना डक्ट की सहायता से निकाल दें।
डायरेक्टली वो निकल जाए बाहर तो वो हो गया एक्सोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। मतलब उसमें कोई डक्ट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई एलिमेंट्री कैनाल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, किसी भी डक्ट का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली जो है वो अपना निकाल देगा बाहर। तो ऐसे नेफ्रिडिया को कहते हैं एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। दूसरा है एंडोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, यानी दोज नेफ्रिडिया विच एलिमिनेट आउट वर्स्ट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डक्ट और कैनाल सिस्टम, और जो सिस्टम है उसके द्वारा ये एलिमिनेट आउट करेगा, तो इस तरह के नेफ्रिडिया को कहेंगे एंडोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये डक्ट की हेल्प से एलिमेंट्री कैनाल में आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल होते हुए एनस होते हुए ये बाहर निकलेगा, ये कहीं स्किन से नहीं निकल रहा है। तो जो एक्सोनेफ्रिक टाइप ऑफ जो नेफ्रिडिया हुआ वो हुआ ये, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो है वो हो गया एक्सोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। यानी एक्सो का मतलब हुआ बाहर, नेफ्रिडिया का मतलब हुआ नेफ्रिडियल सिस्टम, यानी कि एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट स्किन के थ्रू अपना बाहर कर देगा। जैसे हम लोगों के बॉडी में स्वेट होता है, पसीना निकल जाता है डायरेक्टली, है ना, तो उसी तरह यहाँ पे जो एंटागोमेंट होगा, स्किन होगा, उससे डायरेक्टली अगर नाइट्रोजीनस वास प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब वो वास प्रोडक्ट जो है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है बाहर आएगा डायरेक्टली, तो वो कहेंगे एक्सोनेफ्रिक। तो डायरेक्टली किस नेफ्रिडिया के द्वारा बाहर आएगा, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया के द्वारा बाहर आएगा। अब है नेक्स्ट एंडोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, एंडोनेफ्रिक टाइडिया। तो एंडोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया जो होगा, एंडोनेफ्रिक टाइप यानी कि उसको कैनाल चाहिए, डक्ट चाहिए, वो अंदर से होके जाएगा, बॉडी के अंदर से होके जाएगा, तो वो हो गया एंडोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। तो ऐसा नेफ्रिडिया हो गया ये फेरेंजियल और ये सेप्टल नेफ्रिडिया, यानी एंडो जो नेफ्रिडिया हो गया वो फेरेंजियल एंड सेप्टल नेफ्रिडिया जो हो गया वो हो गया एंडोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। तो ये बताओ कि एक्सोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया क्या हुआ, एंड एक्सोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ बिना किसी डक्ट की सहायता से डायरेक्टली एलिमिनेट आउट हो जाए, मतलब बाहर आ जाए एक्सरे प्रोडक्ट, वो हो गया एक्सोनेफ्रिक। तो अभी हमने तीन नेफ्रिडिया बताया, फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री और सेप्टल नेफ्रिडिया। इन तीनों में से कौन सा ऐसा नेफ्रिडिया है जो एक्सोनेफ्रिक होगा, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है जो एक्सोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया होगा। दूसरा है एंडोनेफ्रिडिया, ये क्या होता है, किसी डक्ट की सहायता से बॉडी के इंटरनल किसी ऑर्गेन होते हुए ये निकलेगा, ये हो गया एंडोनेफ्रिक टाइप ऑफ नेफ्रिडिया। इन सब में से तीन जो बताएं, इन सब में से कौन कौन सा नेफ्रिडिया है जो कि एंडोनेफ्रिक।